भारत ने पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर भारत ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। इंडिया, ये जो श्रीलंका का मामला है, इंडिया ने अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वहां पे टेस्ट किया सारा, तो चाइना इसको बड़े गौर से देख रहा है। वो हर नए दिन एक नया मिसाइल का तजर्बा करता है जिसकी रेंज जो है वो कभी बैनुल बर्रे आजमी है, कभी बैनुल बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बदतरीन हालात में कह रहा हूँ कि मैं हकीकतन बदतरीन हालात। पहली बात ये कि गैर महफूज हाथ, ये भी हमें कहा जाता है ना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है या न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो गैर महफूज हाथों में जा सकते हैं। ये जो हमारी एक कंट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक, अपनी बनाई हुई न्यूक्लियर सबमरीन, उससे बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग। आप तो कह रहे थे दुनिया से ताल्लुक जबरदस्त हो जाएंगे, ये क्या बयान आ गया? ठीक है ना, ये बयान तो इस तरह का बयान तो नहीं आया। दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं कल भारत ने खुद के सबमरीन से खुद का पूरे तरीके से मेड इन इंडिया एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, जिसको लेकर दुनिया में एक बड़ी अच्छी न्यूज़ बनी है। पाकिस्तान का रिएक्शन आना था, जो कि आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको। अगला टेंडर शुरू होगा तो ताइवान और ये ऊपर के जो इलाके हैं सारे, तिब्बत और बाकी जो इलाके जो इंडिया के साथ उनका मामला चल रहा है, वो सारे उनकी नज़रों में। और ख़ास तौर पे ये इंडिया, ये जो श्रीलंका का मामला है, इंडिया ने अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वहाँ पर टेस्ट किया सारा, तो चाइना इसको बड़े गौर से देख रहा है। पहली बात आप ये बताएं कि आप तो ये कह रहे थे कि वहाँ से डॉलरों की बारिश होगी, आप तो कह रहे थे दुनिया से ताल्लुक ज़बरदस्त हो जाएंगे, ये क्या बयान आ गया? ठीक है ना, ये बयान तो इस तरह का बयान तो नहीं आया कभी भी कि मोस्ट डेंजरस नेशन, और मोस्ट डेंजरस नेशन का लफ्ज़ तो अमरीकी सदर के मुंह से निकलना, तो वो इसके वो तो मैंने आपसे वही कहा ना कि आज अगर ये तीन चार दिन पहले बयान आया था, इमरान खान ने उड़ा के रख देनी थी सफारती पॉलिसी। ये अब ओवर रिएक्ट करेगी, कर रही है हुकूमत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, अमरीकी सफीर को बुला लिया, अच्छा किया, और स्ट्रेट बात करें उनसे, क्या बात है भाई? मोस्ट डेंजरस में अल्लाह खैर करे तो मोस्ट डेंजरस नेशन में आपके साथ एक खबर देता हूं जो कि जिसको सुन के आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। आज एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, यानी कि इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल, इंडिया की इंडिजिनस सबमरीन INS अरिहंत जो कि न्यूक्लियर है, उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जो कि एटमोस्फियर में क्रॉस करके और फिर वापस आती है। एटमोस्फियर क्रॉस मीन्स हम इस मिसाइल से सैटेलाइट भी छोड़ सकते हैं, चाहे वो ट्रेजेक्टरी में जाए या ना जाए, लेकिन वो स्पेस में पहुंच जाएगा, इसमें इसकी गारंटी। क्या आगे बात करते हैं तो ये बिल्कुल हाई एक्यूरेसी से लगी, और हाई एक्यूरेसी से मींस अपने टारगेट को सेट किया, बे ऑफ बंगाल में टेस्ट की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बात बोली। पहले तो मैं सुमित पीर साहब का स्वागत करना चाहूंगा। सुमित पीर साहब एनालिस्ट हैं, और कौन कौन नहीं जानता, अपने में बच्चा बच्चा जानता इंडिया में। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहले ये जो हमारी एक कंट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक, अपनी बनाई हुई न्यूक्लियर सबमरीन, उससे बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले आपको, मेरे को, सबको शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपने शो ऐसे जबरदस्त तरीके से शुरू किया, ऐसी आपने सुखद समाचार दिया कि हृदय बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया, खुशी मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब रोहित भाई आप बताएंगे, और इसमें जानने का विषय ये, और मैं अपने जो सारे दर्शक जुड़े, जो हमारे भाई बहन जुड़े, उनको भी बधाई देता हूँ। ये हम सबके लिए गौरव का दिन है, आज महादेव की असीम कृपा रही है हम पे, बहुत अच्छा दिन रहा आज हमारे लिए। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें ऐसी विशेषता क्या, स्ट्रेटजिकली हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने पहले भी ICBM लॉन्च करते थे सबमरीन से, अब की बार क्यों किया? देखिए, ये इसके तल में, इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। अब अरिहंत क्या है? अरिहंत है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब है इसकी रेंज अनंत है, इसको आप दुनिया के कहीं से कहीं कोने में भेज सकते हैं। जो कन्वेंशनल फ्यूल पावर्ड होती है उनकी रेंज लिमिटेड होती है, उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए वापस आना पड़ता है। US का समुद्र पर वर्चस्व किए, उनके मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, दे आर न्यूक्लियर पावर्ड। न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितना ही दूर भेज दो वैसी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसमें खाना पीना हो तो जहां मर्जी भेज दो वो कर दे। दूसरी बात, आज ये हमने खुद बनाई है सबमरीन, स्टेल्थ सारे फीचर इसमें है। पहले हम सबमरीन कहीं ना कहीं से जो न्यूक्लियर पावर थी बाहर से लाते थे,
अब हमने खुद बनाई है, तो हमने इस टेक्नोलॉजी में भी ब्रेक थ्रू पा लिया। रेप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लग सकता पर असंभव नहीं है। अब तीसरा विषय समझिएगा, तीसरा विषय है बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग क्यों गई। देखिए ये समझने का विषय है, सारा पेच यहाँ फंसा। हम कहते हैं और मैं कई बार हर जगह बोलता हूँ, वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड होता है हु कैन फायर मिसाइल्स फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड एंड फ्रॉम सी। जब तक आप न्यूक्लियर ट्रायड नहीं होती, आपकी जो सुरक्षा है अक्षुण्य नहीं है। न्यूक्लियर ट्रायड बनते ही आपकी सुरक्षा जो अक्षुण्य हो जाती है। मोदी जी ने सबसे पहले आते 2014 में DRDO इधर उधर सब रिवैम्पिंग वगैरह जो भी करनी थी कर डाली। हम सबसे पहले कुछ एक दो ढाई सालों में न्यूक्लियर ट्रायड बने। न्यूक्लियर ट्रायड एक ऐसी चीज है जिसके होते हुए भारत की भूमि की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत और औकात दोनों खत्म हो जाती है। अब ICBM क्यों? देखिए अगर चाइना पे या अगर हमें किसी और कंट्री पे मिसाइल दागना है, ICBM की रेंज कुछ हजार किलोमीटर में होती है। जैसे अग्नि 5 की बात करें, ये सब ICBM के कैटेगरी में आते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं। बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में केवल रेंज का फर्क होता है। दोनों का मैकेनिज्म सेम है, रोहित भाई ने कहेंगे ऊपर जाएगी, ऊपर एटमोसफेयर में जाएगी और एटमोसफेयर से ही नीचे आती है। अब हमने अपनी बनाई हुई सबमरीन पे अपने बनाई हुई टेक्नोलॉजी से अपना, देखिए ICBM की टेक्नोलॉजी आपको बाय द वे कोई देता नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं बाकी, तो हमने अपना मिसाइल अपनी सबमरीन अपने न्यूक्लियर पावर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर ली। इसका संदेश किसको जाता है? इसको संदेश जाता है सबसे पहले चमगादड़ चीन को कि अगर आपका दूर के दूर का कोस्ट है, आपके घर में उसके मारने की क्षमता रखते हैं, वो भी न्यूक्लियर मार। ईश्वर ना करे कभी ऐसी इसकी जरूरत पड़े, बट नाउ वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अवर कैपेबिलिटी विद अवर ओन सबमरीन, विद अवर ओन न्यूक्लियर पावर सबमरीन, विद अवर ओन फीचर्स एंड अवर बैलिस्टिक मिसाइल। सो मीन्स आज इंडिया की सुरक्षा में एक दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है, सबमरीन भारत ने इंडियन सबमरीन खुद की उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल को आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप जाइए डिफेंस एनालिस्ट के वीडियो देखिए। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो कुछ लोग बोलते हैं बड़ा आया डिफेंस एनालिस्ट बनता है, तो ऑब्वियसली मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट हूं नहीं, मैं भी उनके वीडियो देखता हूं, तो वहां से अगर मैं 100% इन्फॉर्मेशन देखता हूं तो मैं शायद 25% ही कन्वे कर पाऊंगा क्योंकि इतना नॉलेज मुझे नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बेसिकली जानकारी दे दूँ आपको, ये सैटेलाइट तक को भी मार सकती है और ये शायद आप चेक करें बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, बड़े ही कम देश हैं जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद है और भारत ऐसा देश है जिसने खुद ही ये फैसिलिटी डेवलप की है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पाकिस्तान का रिएक्शन, हालांकि पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल से कोई लेना देना नहीं है, भारत को भी पाकिस्तान अगर बैलिस्टिक मिसाइल बना ले तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों देश की बॉर्डर एक दूसरे से लगी हुई है, कन्वेंशनल मिसाइल ही काम कर जाएगी। दोनों एक दूसरे को उड़ाने के लिए अगर चाहें तो कन्वेंशनल मिसाइल से एक दूसरे को उड़ा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हमें चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। हिंद महासागर में अगर कोई ऐसा खतरा बनता है तो वहाँ पे हम अपनी ही सीमा से फायर कर सकते हैं। चीन आपको पता है हमारे जितने करीबी देश हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, सॉरी भूटान नहीं, इन देशों में चीन अपना हमेशा से कुछ ना कुछ स्टैक बना के रखता है और इन देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। जैसे कि नेपाल ज़्यादातर चीन की गोद पे ही खेलता रहा, ये बात भी सच है। हालांकि नेपाली इंडियन आर्मी को सर्विस देते हैं और नेपाली बहुत मैंने देखा है बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, ज़्यादातर कुछ नहीं ज़्यादातर कुछ तो अब यार भाई रहते हैं ख़राब, वो पता नहीं उनका कैसा माइंडसेट रहता है, बट ज़्यादातर नेपाली बहुत अच्छे होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, आपने देखा होगा। और भारत का ही मैं उनको हिस्सा मानता हूँ, भारत को ही, मतलब वो यहाँ पर आकर आपने देखा होगा नेपाली इंडियन आर्मी में है, उनके कई कराटे स्कूल हैं, मोमोज नेपाली जो मोमोज बनाते हैं उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है मेरे हिसाब से, और बहुत सारी सर्विसेज में है यहाँ पे, तो बहुत भारत में उनका योगदान रहता है, भारत को कहीं ना कहीं वो मतलब योगदान रहता है। नेपाल की बात करता हूँ, पाकिस्तान में तो चीन पूरी तरह से घुसा हुआ और चीन पाकिस्तान के पैरों के नीचे है और पाकिस्तान चीन के पैरों के बिल्कुल धूल बना हुआ है चीन, तो आप समझ जाएं। म्यांमार में भी चीन का अच्छा खासा रुतबा है, तो भारत को ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। भारत US का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर।